आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए इसरो में वैकेंसी निकला है। तो देखिए, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो कि इसरो का ही पार्ट है, वहाँ पर आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी निकला है। जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी, टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। तो देखिए, फिटर ट्रेड में जो कुल वैकेंसी निकला है वो 20। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कुल वैकेंसी है 15। प्लम्बर में 2, वेल्डर में 1, मशीनिस्ट में 1। ठीक है, एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th प्लस ITI, नहीं तो 10th प्लस NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो नीचे देखिए, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में कुल वैकेंसी है 10 और ड्राफ्ट्मैन इलेक्ट्रिकल में जो कुल वैकेंसी है 2। यहाँ पे भी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस ITI और नहीं तो 10th प्लस NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो डिप्लोमा कैंडिडेट डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी निकला है मैकेनिकल में निकला है। तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, और कुल जो वैकेंसी है वो 20 है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कुल वैकेंसी है 12। यहाँ पे सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड। ठीक है, सिविल में जो कुल वैकेंसी है 3, वहाँ पे भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड। ठीक है, तो एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए है 18 to 35 ईयर्स। ठीक है, SC ST कैंडिडेट के लिए है मैक्सिमम 40 ईयर्स और OBC का कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 38 ईयर्स। आप लोगों का जो एज कैलकुलेशन होगा वो 13 सितंबर 2019 तक आपका एज होना चाहिए, मतलब कि जनरल कैंडिडेट का एज होना चाहिए 18 to 35 ईयर्स। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप लोगों को लॉग इन करना होगा www.isro.gov.in। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अप्लाई करना होगा 24th अगस्त से 13th सितंबर तक। ठीक है, तो 13th सितंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को 250 रुपीस देना होगा। एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपीस देना होगा जनरल और OBC कैंडिडेट को। ठीक है, जनरल और OBC कैंडिडेट को 250 रुपीस देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस है आप लोगों को रिटर्न टेस्ट देना होगा। रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को स्किल टेस्ट होगा। जो रिटर्न टेस्ट होगा वो बेंगलुरु में होगा। ठीक है, तो आप लोगों का लास्ट डेट है 13 सितंबर तक आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने के लिए। और ये PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह जॉब अपडेट पाने के लिए ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।